झोटवाड़ा विधानसभा से राजवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दी गई। उम्मीद जैसे लोगों की उम्मीद थी कि आशु सिंह सुरपुरा को टिकट मिलेगी। अगर आशु सिंह सुरपुरा को टिकट मिलती तो वोटिंग प्रतिशत कितना बढ़ता और क्या असर पड़ता? यदि सर आशु सिंह सुरपुरा जी को टिकट मिलता है तो 1.5 लाख वोटों से जीत के जाते हो। कांग्रेस का इतना पत्ता साफ हो जा, लालचंद जी कटारे भी नेटते थे उनके। इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था। लंपी में हमारे गाय मरी थी, मेरा गांव लालपुरा है, मैं जोटवाड़ा पंचायत जोटवाड़ा से आता हूँ विधानसभा से। इन्होंने लंपी में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लालपुरा में भी जेसीबी वगैरह खड़ी करी थी और बहुत अच्छा हमारा यही था। हम वोटिंग का यही था, पर सर हम पार्टी को लास्ट टाइम जो भी था तो रियल। अब आपको क्या लगता है कि राजवर्धन जी अगर जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतेंगे? यदि राजवर्धन जी सर जीतेंगे, कोई भी जीतो इन पर, आशु सिंह जी 2 नंबर पर रहेंगे। यदि कर्नल साहब जीतते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये का रहे, वो 5 से 10 हज़ार वोटों का रहेगा अंतर ही सर। और आपको क्या लगता है अभिषेक चौधरी का क्या रहेगा? अभिषेक चौधरी सर बाहर ही है, उनको यहाँ पे सिटी में वोट नहीं मिले, ग्रामीण क्षेत्र में वोट लेके आए हैं, तो वहाँ पे आशु सिंह जी सुरपुरा भी उनसे 10-20 हज़ार प्लस ही लेके आएंगे वहाँ से वोट। तो उसका अंतर बहुत मतलब फर्क पड़ेगा। मतलब वोट किसके काट रहे हैं, बीजेपी के वोट काट रहे हैं सर या कांग्रेस के वोट काट रहे हैं? सर हमारे क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में हर तीसरा वोट कांग्रेस का काटा है उसने, हर तीसरा वोट कांग्रेस का काटा है सिटी में, पूरा कांग्रेस का काटा है। 5 से 10% मिलेगा अभिषेक को सिटी में वोट और 10 से 15% सुरपुरा सर को मिलेंगे। तो आशु सिंह सुरपुरा को निर्दलीय लड़ने का बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बीजेपी के कैंडिडेट थे, ये संघ से जुड़े हुए आदमी है। यदि ये एक टिकट के लिए यदि जाते तो इनको कांग्रेस ने प्रपोजल दिया था, पर इन्होंने ठुकरा दिया था। और हमारा तो यही था भाई, आशु सिंह सुरपुरा को टिकट मिलता तो हमारी जनभावना से उनको और ही बढ़िया वो जीत मिलती, जो एक 200 विधानसभा में सोच समझ के आगे वो होता, इतने प्लस वोटों से जीत की जाती है। जो यूपी के सीएम आए योगी आदित्यनाथ, जो इन्होंने रैली की, तो उसका क्या असर पड़ा? सर उससे सिटी के वोट डाइवर्ट हो गए कर्नल साहब की तरफ। फिर भी कितने हज़ार वोटों पे फ़र्क पड़ा करीब? सर कम से कम 30-40 हज़ार वोट। वो सीएम था सर प्रदेश का, तो उसे अपनी समझते हैं भाई, 30-40 हज़ार वोट वो शिफ्ट कर गया। और वो मोदी और योगी इनके भगत अपने आशु सिंह सुरपुरा भी है। नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ नहीं आते झोटवाड़े में रैली करने तो आपको क्या लगता है कि राजवर्धन सिंह जीतते थे या हारते फिर? सर ये मान लो 80+ जा रहे थे उस टाइम, हवा इतनी टाइट थी आशु सिंह सुरपुरा की भाई, वो जीतने के कगार पे थे। कर्नल साहब को वोट कट रहे थे, पर योगी आने के बाद में चेंज हो गई हवा।